वेलकम टू 8th क्लास स्टूडेंट भाई, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ये एक वर्ड प्रॉब्लम वाली एक्सरसाइज है, तो इसके वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस की पिक्स एडिट कर दूंगा, साथ में आप वहां से क्वेश्चन देख लीजिएगा वीडियो के लास्ट में। अभी फ़िलहाल मैं आपको प्रॉब्लम रीड करके बताऊँगा। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक को अपने पास रख लीजिएगा, या पहले वीडियो के लास्ट में जाके क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद आप फिर इसको सॉल्व करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में कहा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, इन सभी क्वेश्चन में एक नंबर है हाइड, उसको आपको मानना है। तो लेट द नंबर जिसको आपको फाइंड करना है, आप उसी को सबसे पहले मान ले x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन, उसने कहा है x में सब्ट्रैक्ट करें 1/2। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, तो वो नंबर ये है, आपको इसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है, पहली कंडीशन। फिर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, इस रिजल्ट में मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से एक बार और। फिर यू गेट 1/8, गेट मींस इक्वल, आपको आंसर मिलता है 1/8। तो फाइंड द नंबर, अब आप इस नंबर को एक्स को आपको फाइंड करना है, एक एक करके सेपरेट करेंगे, पहले मल्टीप्लाई सेपरेट करेंगे क्योंकि ब्रैकेट से बाहर मल्टीप्लाई है। एक्स माइनस 1/2 ऐसे देखिए डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया आपका 1/2। अब ये माइनस है उधर जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 1/2। अब आपको एलसीएम लेना है 4/2 का, तो वो होता है 4। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम 4 से 4 में डिवाइड 1, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई, फिर 2 से 4 में डिवाइड 2, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ गया 3/4। वो नंबर है जिसमें आप 1/2 सब्ट्रैक्ट करें और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर आएगा आपका 1/8। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर पूल है, स्विमिंग पूल, उसकी जो लेंथ है वह उसकी ब्रेथ पर डिपेंड है, तो हम इसमें ब्रेथ को एज्यूम करेंगे। हमने मान लिया लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पूल एक्स मीटर, ये इसकी एक्स मीटर। उसके बाद उसने कहा जो उसकी लेंथ है वह उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 2 more है, तो इसका ट्वाइस करें और 2 more, ये लेंथ हो जाएगी आपकी 2x+2, ब्रेथ के ट्वाइस से 2 more, more means add, twice means 2 से मल्टीप्लाई, और इसका जो पैरामीटर दिया हुआ 154 है, तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर इज इक्वल टू 2l+b होता है, जो 154 मीटर दिया हुआ है। अब इसमें l और b की वैल्यू आप शिफ्ट कर दीजिए, आपकी एक एक्सप्रेशन बन जाएगी सॉल्व करने के लिए, और आपको इसको सॉल्व करना है, 2 को आप डिवाइड में ले जाइए, ये अंदर हो जाएगा 3x+2, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में चला जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कीजिए 77। अब ये 2 प्लस का है उधर जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर दिया, तो 77 में 2 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 75। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है, इस 3 को हटाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, ये हो जाएगा 75/3, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो 25 3 = 75, तो x आ गया आपका 25 meter। अब आपको इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, देखिए इस तरह से। अब
आपकी जो एक्स की वैल्यू यानी कि ब्रेड्थ आ गई 25 मीटर, अब आपको फाइंड करनी है लेंथ। तो लेंथ की वैल्यू आप यहां रख देंगे तो आपकी लेंथ आ जाएगी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 25 प्लस 2, ये हो गया 50 और प्लस 2, तो आपकी लेंथ आ गई 52 मीटर। तो ब्रेड्थ आई थी आपकी 25 मीटर और लेंथ आ गई आपकी 52 मीटर। ये आपके दोनों आंसर होंगे। इस तरह से ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन 3 है वो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। द बेस ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल, एक आइसोसेल ट्राइंगल है जिसकी दो साइड इक्वल होती है, आइसोसेल ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है। The base and isosceles triangle is 4/3, इसका जो बेस है वो 4/3 सेंटीमीटर है और जो इसकी इक्वल साइड है वह दोनों x x सेंटीमीटर की हमने मान ली। हमने एज्यूम करनी है इक्वल साइड इक्वल टू x सेंटीमीटर। इस पूरे ट्राइंगल का जो पैरामीटर है वो दिया हुआ है 3 उसको दिया हुआ है उसने 4 right 2/15 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाता है आपका 2x, इस प्लस 4/3 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4 right 2/15 माइनस का हो जाएगा 4/3। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है तो ये मिक्स से 15 4 60 और 2 62/15 माइनस 4/3, यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपका 15, हो जाएगा 62 माइनस 3 5 जो 15 और 5 की आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 42/15। अब इस 2 को डिवाइड में ले जाएंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू 42/15 इनटू 2, 2 से 42 को डिवाइड करेंगे 21, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, तो आपकी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 7/5। ये कैलकुलेशन को आप रिप्ले करके देख सकते हैं, तो जो आपकी x है वो 7.5 सेंटीमीटर, या अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में निकालना चाहें तो 1 right 2/5 आपके मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। सम ऑफ टू नंबर इज 95। ये दो नंबर है आपके पास और एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है, आप नंबर मानेंगे, लेट द नंबर्स। तो फर्स्ट वाले को x और जो दूसरा वाला नंबर है उससे 15 ज्यादा है तो x प्लस 15 हो जाएगा। अब उसने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू नंबर, इन दोनों का सम वह है आपका 95। बस आपको इसकी अब कैलकुलेशन करनी है और x की वैल्यू निकालनी है, तो x और x 2x प्लस 15 ऐसे। अब पहले आप 15 को ट्रांसपोज करेंगे, हो जाएगा 2x इक्वल टू आपका 80, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा आपका 40, तो x की वैल्यू हो गई आपकी 40। अब दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके, फर्स्ट नंबर तो हो गया 40, सेकंड क्या हो जाएगा 40 प्लस 15 55। इस तरह से ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे आपको दो नंबर दिए हुए हैं जिनका रेशो दिया हुआ है, तो लेट द नंबर्स
जब भी रेशो में नंबर दे तो आप उनके साथ में कोई भी एक वेरिएबल लगा दे। रेशो दिया हुआ है 5-3 तो नंबर हो जाएंगे 5x और 3x। अब इन दोनों का डिफरेंस 18 है, तो देखिए दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, 5x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस मींस माइनस, कितना दिया हुआ है 18। बस आप इसको सॉल्व करना, 5x में से 3x माइनस 2x, 18, 2 से डिवाइड, 9, तो x इक्वल टू आपका 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये आपका एक नंबर आ, x की वैल्यू आ गई 9, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे 5x और 3x, तो नंबर्स हो जाएंगे आपके 5 9 जा 45 और 9 3 जा 27। ये दो नंबर हो गए आपके 45 और 27, जिनका डिफरेंस 18 है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है फ्रेंड्स, तो ये 5 प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस कीजिए, बाकी नेक्स्ट, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे।